हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम व्रत स्पेशल महाराष्ट्रियन थाली पीट बनाएंगे। अगर आप व्रत में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इस थाली पीट की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी के छोटे जार में डालेंगे 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, थोड़ा सा हरा धनिया। सभी को हम दरदरा सा पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम इसे अलग रखेंगे। अब हमने 1 कप साबूदाने को अच्छे से धोकर 6 से 8 घंटे पहले भिगाकर छोड़ दिया था। साबूदाना अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल खिला खिला है। अब हम लेंगे 3 छोटे साइज के उबले हुए आलू। आलू को हम इस प्रकार से मसल कर डालेंगे। साथ में डालेंगे मसाला जो हमने पीस कर रखा था। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली जिसे हमने दरदरा पीस कर लिया है। साथ में डालेंगे 1/4 कप कुट्टू का आटा। कुट्टू के आटे की जगह पर आप इसमें राजगिरा या सिंघाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नींबू का रस। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लेंगे। मिश्रण को मिक्स करने में परेशानी हो तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और इसका डो बनकर तैयार है। अब हम हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसे गोल करेंगे। इस डो से आप 5 से 6 थाली पीट आराम से बना सकते हैं। थाली पीट के साइज के हिसाब से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम प्लास्टिक की शीट पर थाली पीट बनाएंगे। हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे फैलाएंगे। इसे हमें ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला रखते हुए नहीं फैलाना है। रोटी के साइज जितना हमने इसे बड़ा कर लिया है, बीच में हम एक होल कर देंगे और अब हम थाली पीट को तुरंत सेकने के लिए डालेंगे। गैस ऑन करके तवे को हमने ऑयल से ग्रीस करके लिया है। फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद ऊपर से ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर हमने पीनट ऑयल का यूज़ किया है। आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पलटेंगे और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से पकने देंगे। तीन से चार मिनट बाद थाली पीट बनकर तैयार है, तो इसे अब हम निकालेंगे और इसी प्रकार से बाकी के थाली पीट बनाकर भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही कम तेल में बने ये थाली पीट बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इससे आप व्रत के साथ साथ ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो इस आसान सी थाली पीट की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।